हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी एंड जॉब जंक्शन। आज के वीडियो में जो जॉब अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आए हुए वो फर्स्ट मेरिडियन की तरफ से स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन इस जॉब अपडेट रिलेटेड मिलेगी आपको इस वीडियो में स्टूडेंट। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल, क्योंकि हम ऐसे जॉब अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो जॉब रोल लेकर के आई हुई है फर्स्ट मेरिडियन, यहाँ पे वो ट्रेनिंग कंसल्टेंट का जॉब रोल रहने वाला है। बात करूँ कितना पैकेज लेकर के आई हुई है कंपनी यहाँ पे, तो 2.5 LPA का पैकेज लेकर के आई हुई है कंपनी यहाँ पे। आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो बैंगलोर की होगी या फिर चेन्नई की या फिर कोयम्बटूर की हो सकती है यहाँ पे। और जो वर्क मोड रहने वाला है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस टाइप का रहेगा यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहेगी। बात करते हैं जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है जो आपका कोर्स होना चाहिए वो बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए या फिर बीकॉम का होना चाहिए यहाँ पे। जो और स्पेशलाइजेशन होगी, जो ब्रांच होगी आपकी, तो यहाँ पे सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आपका जो ग्रेजुएशन ईयर होगा, जो पास आउट बैच होना चाहिए आपका, वो 2021 या फिर 2022 का होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, आपका जो एकेडमिक स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, वो 60% से ज़्यादा का होना चाहिए। वो चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो स्कोर हो। यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो मिनिमम 0 ईयर्स का और मैक्सिमम 1 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस चलेगा। बात करते हैं कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है इस कंपनी में काम करने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपका, एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिलेटेड, और आपका जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी रिक्रूटमेंट के लिए। अगर बात करें कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होंगे इंटरव्यू राउंड्स ऐसे होंगे कि पहले आपका एक असेसमेंट होगा, वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा। फिर अगर आप उस राउंड को क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे जो कि एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा यहाँ पे। और फिर टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर करते ही आपका HR इंटरव्यू होगा, और HR इंटरव्यू भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका इस कंपनी में सिलेक्शन तय है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जाइए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करिए, और जो अप्लाई करने की लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाइए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करिए, और कुछ भी डाउट हो यहाँ पे तो कमेंट करके पूछिए, क्योंकि हम आपके सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन जरूर देंगे यहाँ पे। और वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो लाइक करिए हमारा वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसे जॉब अपडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल, क्योंकि हम ऐसे जॉब अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।